देखो एक बात कान खोलकर सुन लो, ये लोग प्रोजेक्शन पेपर देने में कुछ नानुकुर भी कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी दीदी इमोशनल करने की कोशिश करे तुम, लेकिन तुम गड़बड़ मत करना, तुम उनके प्यार में मत पड़ना। हमें किसी भी कीमत पर ये मैरिज हॉल चाहिए। दीदी बीजी पैरी पाना भी आ गए तुम लोग। खुश रह खुश रह। कितनी भागदौड़ हो गई होगी ना, देखो आना फिर जाना। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? बच्चे कैसे हैं? चला चल बैठ जा। हाँ। जानकी पानी लिया सबके लिए। काम की बात करें वो हम लोग पोजेशन पेपर्स लेने आए थे मैरिज हॉल का, आप दे देती तो। अरे तू बैठ, मैं अभी लेके आती हूँ। दे देंगी। देख हॉल के पेपर तो मैं दे दूंगी स्वीटी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी जमीन जायदाद का बंटवारा होता है ना, साथ साथ रिश्ते भी बढ़ जाते हैं। भाई बहन को माँ बाप की प्रॉपर्टी तो याद रहती है, लेकिन बचपन में साथ खेले हुए दिन वो भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे मेरे बीच में ऐसा कुछ हो। कैसी बात कर रही है? उस हॉल के कारण तेरे मेरे रिश्ते में खटास है, ये मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर तू मुझसे ये वादा करता है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये कागज मैं तुझे दे दूंगी। वकील साहब ये लीजिए पेपर्स। वैसे ये मैरिज हॉल खाली करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? यही कोई 4-5 दिन। 4-5 दिन कम नहीं है? नहीं हम कर लेंगे। अरे ऐसे भी कोई जल्दी नहीं है दीदी, आप चाहो तो 3-4 दिन और ले लो, हमें तो बस हॉल के पेपर्स चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही। नमस्ते मामा जी। नमस्ते आंटी जी। मामा जी इस घर के इकलौते बेटे हैं, इसलिए इस हॉल पर उनका पूरा हक बनता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, राइट सर? तुम हमारे साइड हो? मामी जी आपको तो पता है कि मैं उसी साइड होता हूँ जो सही होता है। अच्छा आप ये पोजेशन के पेपर्स ना संभाल के रखिए, और मैं कुछ और पेपर्स भी लाया हूँ। ये लीजिए मामी। ये किस चीज के पेपर्स हैं? कुछ नहीं मामी जी, ये BMC और सर्विस टैक्स के पेपर्स हैं, और साथ में 2-4 लीगल नोटिसेस भी। कैसे लीगल नोटिस? अरे आपको नहीं पता मामी जी कि BMC ने अब तक इस हॉल की छत बनाने की परमिशन नहीं दी है। पहले तो टिन का शेड हुआ करता था, और अब पक्की छत बनवा दी गई है जो कि BMC के अगेंस्ट है। उनका नोटिस आ गया कि कभी भी आकर छत तोड़ देंगे, नहीं तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इन्हें भी देख लीजिए। लोन के पेपर्स? इस प्रॉपर्टी पे 2.5 करोड़ का लोन है। मतलब ये कि जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसे ये लोन भरना पड़ेगा। पर घबराइए नहीं, ये लोन भरना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। अरे ये बिल्स तो मैं आपको देना ही भूल गया, इन्हें भी देख लीजिए। अभी किस बात के बिल? दुकानदारों के, वेटर्स के, केटरर्स के वगैरह वगैरह। पिछले 4 महीने से इनकी पेमेंट नहीं हुई है। वैसे तो 1 महीने के अंदर अंदर इनको पैसा मिल जाना चाहिए, पर क्योंकि आंटी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है तो काम चल जाता है। और मामा जी आप तो जानते हैं कि संबंध एक दिन में थोड़ी ना बन जाते। और जैसे ही मैंने इन लोगों को बताया कि हॉल की ओनरशिप बदलने वाली है, तो ये अड़ गए कि आज के बाद कोई मोहल्लत कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, और धमकी देने लगे कि हमें आज के आज पैसा चाहिए, नहीं तो लेबर यूनियन के पास चले जाएंगे। सो बेसिकली 4-4.5 करोड़ का खर्चा आएगा इस प्रॉपर्टी के पोजीशन के बाद। आप 4.5 करोड़? जी। इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? और मामा जी हैट्स ऑफ टू यू, वरना आज के जमाने में ऐसे भाई कहां मिलते हैं जो अपनी बहन के सिर का बोझ अपने सिर ले लेते हैं। क्या हुआ मामी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अचानक से गर्मी बढ़ गई ना, आप नींबू पानी पियेंगे? नहीं नहीं हम लोग को पेपर मिल गए, चलो चलते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पेपर्स, ये मैरिज हॉल। अब दीदी इतने सारे कर्जे चढ़ा रखे हैं, पहले वो सब उतार लो फिर ले लेंगे हॉल। चलो अब। हाँ चलो। भूल चुक माफ करना दीदी, गर्मी की छुट्टियों में आना है। हाँ बुलबुल।
तुम्हें तो बिल्कुल, तुम्हें भी हाँ पैरी पाना बीजी। थैंक यू पुत्र, तूने मुझे मेरी बहन की नजरों में गिरने से बचा लिया। आज तूने वो काम किया है पुत्र जो मुझे करना चाहिए था। कहने को इस घर का इकलौता भाई बेटा मैं हूं, पर इस घर के लिए मैन ऑफ द हाउस तू है। सच मानो तो तू है इस घर का असली रखवाला। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलता हूं दीदी। ये तो वो ही बात हुई जिथे दी खोती उथे ही आख लोती। मैन ऑफ द हाउस आ? पता नहीं मामा जी क्या कह देते हैं। मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी इस घर पे कोई परेशानी पड़ी है ना, ढाल बनकर तूने ही सब सही किया। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी थोड़ी ना कोई बोल देने से मैन ऑफ द हाउस बन जाता है। आंटी जी, मैन ऑफ द हाउस वो होता है जो अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये हम सब लोग जानते हैं कि आपने इस घर के लिए क्या नहीं किया है। ये घर ना आंटी जी हवा और पानी के बिना चल सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं चल सकता। आप ही हो असल में मैन ऑफ द हाउस। हर माँ की तरह ना मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी जैसी बच्चियां भगवान सबको दे। लेकिन आज एक लाइन और बोलना चाहती हूँ कि तेरे जैसा पड़ोसी भगवान सबको दे। और अगर पड़ोसी को चाय पीने का मन हो तो एक प्याली चाय मिल सकती है आंटी जी। आज तो चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे। ले चाय तो आ गई, मैं पकौड़े लेकर तैयार है। आपकी अदरक वाली चाय, बैठिए। आज तो कमाल ही कर देता कप्तान साहब, मान गए, सबकी बोलती बंद कर देती। खुश रहो। एक रख दो ना। नाइस टी। बिस्किट लाना। नहीं नहीं, इसमें शुगर और मैदा होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं कुछ दूं ना तुम्हें, तुम्हें चाहिए ही नहीं होता। बड़ा ही अच्छा लड़का है मेरा बेटा ना। सही, लेकिन बेटे से बढ़कर करता है घर के लिए। अब क्यों ले रहे वो? मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ ना, तो कुछ नहीं होगा। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, आया मौसम दोस्ती का। दोस्ती का, दैट्स व्हाट आई मीन, दोस्ती का। दोस्ती गरम गरम पकौड़े आ गए। बेटा वैसे स्वीटी ने पेपर लेने से तो मना कर दिया, लेकिन इतने सारी मुश्किलें और भी तो पड़ी हैं। वो लोन और वो टैक्स और सर। आंटी जी उसकी टेंशन मत लीजिए, वो जो यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर है ना, वो मेरे दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उससे मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो हो सकता है हमारे सारे टैक्सेस और ये पेनल्टीज है ना, वो माफ कर दे। मैं तेरे लिए और गरम गरम पकौड़े लेके आती हूँ। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो मैं आराम से जा सकती हूँ। कहाँ जाना है तुझे? अब मामा रॉक कॉन्सर्ट। किसका कॉन्सर्ट है? हरिहरन जी का? जी नहीं, मेरे अभी का कॉन्सर्ट है, द सेंसेशनल रॉक स्टार अभी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अभी उसे तो मैं कभी समझ नहीं पाया, वो गाता है, वो तो ढोल पीटता रहता है। माँ प्लीज जाने दीजिए ना। कैसे कैसे तुझे भेज दूँ? कोई समझदार लड़का होता ना साथ में तुम्हें भेज भी देती। माँ चार चार लड़के आ रहे मेरे साथ। चार चार लड़कों के साथ जाएगी तू? अगर उनमें से एक लड़का भी सुरेश जैसा होता ना तो मैं भेज भी देती। बेटा तू जाएगा इसके साथ? मैं चला जाता हूँ। अरे लेकिन सुरेश तुम्हें कल सुबह मेरे साथ कॉपरेटर। हाँ हाँ तो चल लूंगा ना, कोई बात नहीं। तुम सोओगे कब? तीन चार घंटे सो लूंगा तो बहुत है ना, और अगर बुलबुल अकेले गई तो तुम नहीं सो पाओगे। तुमसे तो बहस कोई कर नहीं सकता, जाओ तुम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है भारत भूषण और नीरू पर आए बात कर रहे। ये कौन है दादी? अरे हमारे जमाने के रॉक स्टार। दादी
जल्दी तैयार हो जा बुलबुल, मैंने सुरेश को बोल दिया। सुरेश का नाम मतलब, अगर माँ ने मुझे रॉक कॉन्सर्ट में जाने से मना कर दिया होता ना तो आई वुड हैव किल्ड हिम। बस कर, क्यों कर रहे इतना गुस्सा? उसको देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक्सेप्ट कि जब वो तुम्हें ना सलमान खान की तरह टुकर टुकर घूरता रहता है। ढीली पतली वाला सलमान खान, तुम दोनों का प्यार ना मुझे 70s वाला प्यार लगता है, जब हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखने अपनी खिड़की पे आते हैं ठीक 10 बजे, एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं, फिर लाइट्स ऑफ कहते हैं और फिर सो जाते हैं, और अगली सुबह हीरो अपनी हीरोइन को खटारा स्कूटर पे बोलेगी स्कूटर नहीं, हाथ गड़बड़ करती है। भूल मत, आज सुरेश की वजह से माँ ने तुझे परमिशन दी रॉक कॉन्सर्ट में जाने की। okay. तो और गड़बड़ करेगी? नहीं नहीं प्लीज सॉरी। वैसे भी कल सुबह ना आप कुछ अच्छा पहनना। क्यों? आपको देखकर वो बेचारा जाग तो जाएगा। बुलबुल तुझे इतना मारूंगी ना मैं। सुरेश जल्दी करो यार। बुलबुल चलना यार, कितना टाइम लेगी यार? बस 2 मिनट दे इसकी स्कूटर। बुलबुल वेट्स बी गेटिंग लेट यार, और कितना टाइम? वी ऑलरेडी लेट फॉर द कॉन्सर्ट, हम डायरेक्टली कॉन्सर्ट पे मिलेंगे। अरे बट लिसन टू मी। व्हाट? हेलो, जरा तेज चलाओ ना, पीछे वाले भी आगे चले गए। इस रोड की स्पीड लिमिट 40 की है, तेज चलूंगा तो हमारा चालान कटेगा। तुमने कभी लाइफ में कोई रूल ब्रेक किया है या नहीं? नहीं, मैंने आज तो कोई गलत काम नहीं किया है सिवाय प्यार के। क्या क्या या मौसम दोस्ती का? अरे क्या कर रही हो? ठीक से चला नहीं सकते तुम? अरे मैं ठीक से चला रहा हूँ, ये खड्डे अभी तक ठीक ही नहीं हुए हैं। अब तेज चलाओ यार। Check it out. के पास खड़े रहेंगे ताकि हम अभी को ठीक से देख सकें। Just touch him यार। यार अभी को टच कर रहे हैं, like touching God man। मैं तो उसे देखती ही faint हो जाऊँ। अभी बेहोश मत होना, अभी को देखना है ना। थोड़ा आराम से चलिए ना, हाँ आराम से चलिए थोड़ा सा। Excuse me, आप यहाँ के मैनेजर हैं क्या? हाँ जी बोलिए। ये पब्लिक इवेंट है और यहाँ पर आप अल्कोहल कैसे अलाउड कर सकते हैं? Everything is fine sir, सब चलता है। Enjoy. अरे ऐसे कैसे सब चलता है आपसे? Excuse me भाई साहब। हेलो भाई साहब, यहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है ठीक है? अरे इस अंकल को यहाँ किसने अलाउ किया यार? पब्लिक इवेंट है। तेरे साथ आया ना? हाँ यार थोड़ा पका हुआ है, बट मेरी दी का दोस्त है, छोड़ना जाने देना। हेलो हाँ प्रज्ञा, हेलो हेलो सुनो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, यहाँ पर बहुत शोर है। परेशान तो नहीं हो रहे? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं बुलबुल का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक ठीक है। हाँ वो बुलबुल के साथ ही है ना? हाँ माँ, वो रात को बुलबुल के साथ ही घर लौटेगा। कितना अच्छा लड़का है ना, हमारे घर के लिए कितना करता है, हमें ना उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए और उसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। हाँ दीदी। वो मेरी सहेली ना सरोज, उसकी बेटी अनुपमा, वो कैसी रहेगी? माँ वो अनुपमा, उसने अपनी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं की, ऊपर से सारा दिन गॉसिप और मेकअप में मन लगा रहता है उसका, वो बिल्कुल ठीक नहीं है सुरेश के लिए। तो वो चौथी लेन वाली आराधना? माँ एक तो आप किसकी बात कर रहे हो, आपको पता है ना वो रात को कितनी देर से आती है, हर रोज पार्टी करती है वो। उसे घर का कोई काम भी नहीं आता माँ। सुरेश को एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो उसे समझ सके, उसे संभाल सके, उसके साथ एडजस्ट कर सके। तो तेरा प्रज्ञा अरोड़ा के बारे में क्या? मुझे लगता है वो शर्माता है। नहीं माँ, उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। तू मान नहीं रही लेकिन मेरा दिल कह रहा है सच्ची तुझसे प्यार करता है। अभी
अरे एक्सीडेंट हुआ क्या? एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? आपके आपके सिक्योरिटी गार्ड जैसे धक्का कैसे दे सकते हैं? एक तो आपने दीदी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बुलाई, ये इलीगल है। अरे मुझे बात करने दीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो तू मुझे कानून सिखाएगा? तू तू क्या होता है? आप जमीन से बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, एक तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, 4,000 के पासी वाले हॉल में आपने 12,000 पासेस भेजे। हाँ, मैं आपकी कंपनी पर केस फाइल करूंगा। केस करेगा? हाँ, मुझे बात करने दो। एक मिनट, सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो और इसके साथ जितने आए हैं सबको धक्के मार के बाहर निकाले। हो गए तुम खुश? मिल गए तुम्हारे दिल को तसल्ली? तुम ना मुझे डेवन से पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि तुम दिल के अच्छे हो जो तुम नहीं हो। गलत थी यार मैं। यू आर एन अनहैप्पी मैन। तुम लोगों को खुश नहीं देख सकते, तुम उन्हें परेशान करना जानते हो। और तुम मेरे अभी के बारे में क्या भला बुरा बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है अभी क्या कर सकता है? वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है जो तुम नहीं ला सकते। अभी की एक झलक देखने में हम लोग को जो स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, जो धक्का मुक्की करते हैं ना वो लोग, मुझे अच्छा लगता है। Because it's worth it. वो लोगों के चेहरे पे खुशियां लाना जानते हो और तुम लोगों से खुशियां छीनना जानते हो सुरेश। I am okay. I mean, मुझे अपने लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि मैं अभी के कॉन्सर्ट में नहीं गई ना। ऑल दैट, घर जाके रोलूंगी मैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो तुम्हारे दिल के पास है, क्योंकि वो बेचारे इतना तक नहीं जानते कि तुम उनकी खुशियां तक बर्दाश्त नहीं कर सकते सुरेश। क्योंकि तुम वो आदमी हो जो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। You get that? You better get that. Sorry guys. It's okay. क्या हुआ भाई, रात भर जागने का प्लान है क्या? नहीं तो भाई बिना गुड नाइट बोले तो तुझे नींद आएगी नहीं। तेरी फ्रेंड वेट कर रही होगी, 10 कप के बज चुके हैं, जा बोला गुड नाइट। नहीं बोलना मुझे किसी को गुड नाइट, मुझे ना बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं किसी के लायक ही नहीं हूं, मैं किसी को डिजर्व नहीं करता। प्लीज मुझे छोड़ दे। पहली बार ऐसा हुआ कि सुरेश ने गुड नाइट कहे बिना ही लाइट्स ऑफ कर दी। गुड
दो बातें तो पक्की हैं। पहली ये कि हमारी बुलबुल और सुरेश की आपस में कभी नहीं बन सकती, और दूसरी प्रज्ञा और सुरेश के बीच में अनकहा ही सही लेकिन प्यार जरूर है। तभी तो प्रज्ञा की खुशी के लिए सुरेश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और प्रज्ञा भी तो सुरेश की कितनी फिक्र करती है। शायद इसीलिए आज तक कहीं और मेरी प्रज्ञा का रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि शायद इसके भाग्य में सुरेश ही लिखा है। किस्मत, डेस्टिनी, मुकद्दर, कोई इसे मानता है, कोई नहीं मानता। जिंदगी बिताने का सपना हम किसके साथ देखते हैं, लेकिन कौन हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा कोई नहीं जानता। कौन अपना होकर भी अनजान रह जाता है, कौन अनजान होकर भी अपना बन जाएगा। कौन से मोड़ से मंजिल मिलेगी, कौन सा मोड़ खुद मंजिल बन जाएगा, कोई नहीं जानता। लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, बट मैं कहता हूं टू हेल विद डेस्टिनी।